क्योंकि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, हकीकत है उसे इस जहां में जीना आ गया। तो कुछ देर का इंतजार, तब तक हमारे बीच ब्यावर की सुरमई आवाज, भागचंद जी चौहान आपको भी मैं आवाज देना चाहता हूं, एक छोटी भजन प्रस्तुति आपकी भी हो जाए। हमारे नरेश भैया भी यहां पर पहुंच चुके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन नरेश भैया। भागचंद जी भाई साहब आपके बीच में एक भजन की प्रस्तुति, और उसके बाद आज का अंतिम फैसला, धड़कने बढ़ा दीजिए। निर्णय आता है जब तक समय का मजा लीजिए। अगली आवाज भागचंद जी की, हेलो हेलो हेलो। देखिए निर्णय आए, उससे पहले मैं उद्घोष करना चाहता हूँ। भैया नाम क्या है आपका? कुलभूषण जी, आज के विनर आप हैं। एक बार जोरदार तालियां कुलभूषण उपाध्याय के लिए। ये निजाम साहब की नहीं, सारे पांडाल की भावना है। इन भाई साहब को देखो क्या बेटिया है जान, ये तो अनार सहजादा और मैं अनारकली। जैसे जैसे बोलूंगा मुझे ही ना हम मिलेगा। जय हो जय हो जय। सीधा बैठ जाओ भाई साहब, आ जाए भाई साहब। यस शुरू। बड़ा पावन दरबार सजा है, खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा और ब्यावर लोक कला मंडल द्वारा इतना सुंदर ये दरबार सजा है। गुरुजन विद्वान है हमारे सतीश जी भाई साहब, निजाम भाई साहब हैं। तब कहते हैं दरबार में क्या, एक तू ही मेरी आस है, एक तू ही सहारा, तेरे नाम से है बाबा मेरा चलता है गुजारा। जब गम के अंधेरे हो, बंद हो सारे रास्ते, जब गम के अंधेरे हो, बंद हो सारे रास्ते, जब कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, जब कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, जब कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए, जब कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए। क्यों कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वाह, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तब ये भक्त कहता है क्या, हारा हूं बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा
भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारे हारे तुम हारे के सहारे शाह, हारे 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 तुम हारे के सहारे। हम हारे मेरे श्याम, हम हारे श्याम, हाथ में हाथ दो तो पकड़े रहना हाथ, श्याम हाथ में हाथ दो तो पकड़े रहना हाथ, और मेरी तुमसे भीन की तुम रहना मेरे साथ, क्योंकि हारे 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 तुम हारे के सहारे शाह, हारे 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 तुम हारे के सहारे। पुकारे नाजोरे दिल पे चले, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे शाह,
जब जर पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर बार बदल जाते हैं। हरे 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 तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, और पराए भी पास होता है जब पैसा पास होता है। ऐसी दुनिया है। दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। क्यों क्यों छानी नहीं है? है कि हर बात सबको बताया ना करो, हर बार आंख में आंसू लाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। निजाम भाई साहब, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को दिखाया ना करो। दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीना नाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। आखर ली चूरा कर बाबा जैसे कहते मेरे से, शाम मुझे को निभाई ले। बालक हूँ मैं तेरो शाम मुझे को निभाई ले। ओ दुखेरे रो मारियो माने काल जे लगाई ले, ओ दुखेरे रो मारियो माने काल जे लगाई ले। ओ पथे दिखे ला दे बाबा काट ले अंधेरे से, पथे चूरा कर बाबा जस कैठे मेरे से, आंकड़ की चूरा कर बाबा जस कैठे मेरे से, आंकड़ ली चूरा कर बाबा जस कैठे मेरे से, आंकड़ ली चूरा कर बाबा जस। बोली हारे के सहारे की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा लगेगी थाने तो मजो आ गयो, वहां को जीव जान रही है। मैं उन तमाम छह प्रतिभागियों को बुलाना चाहूंगा। सुरों के नायक की आज भर्ती होने वाली है, वो महानायक कौन होगा? प्रहलाद जी, करण जी, लक्ष्मण जी, लक्की जी, हिमांशु जी और राहुल भाट। इनको सीधे स्टेज पे भेजो आप, स्टेज पे भेजें आप। आप तमाम बिल्कुल सही प्रतिभागी गण, सभी छह प्रतिभागी आप मंच पर पहुंचे। आपके भाग्य का फैसला सभी निर्णायक गण ने वैसे फैसला कर दिया है। आपके अंकों का गणित मेरे हाथ में है। इसी बीच में इन छह में से तीन ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हो पाएगा, लेकिन घबराना नहीं है कि चेहरे पर हंसी दिल में खुशी होती है, और सही मायने में यही जिंदगी होती है। राजू भाई, लक्ष्मण जी भाई साहब और जितने भी कार्यकर्ता हैं पीछे बैठे हैं, सभी आगे आ जाएं। मैं बिल्कुल बुलाना चाहूंगा हमारे रमेश भाई, आपको भी बुलाना चाहूंगा। विजय भैया आप भी आए, निर्णायक गण को यहां छोड़ दें, और मेरे मानो तो इनके आगे पीछे थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दें। नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ी लगा रहा हूं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो मालिश देखिए साहब जी, सिक्योरिटी लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि फैसला हमें करने की जरूरत ही नहीं है। फैसला ये सामने बैठे ये और वो मिलके ही फैसला कर लेंगे, हमें हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब थे आपस में निपट ले हो? बिल्कुल, निपटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो संगीत है साहब,
खुद अपने आप में पता लगा देती है कि कौन कहाँ है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करें। निर्णायक जी आपकी इजाजत है तो चलिए शुरू करते हैं। छह चेहरे देख रहे हैं आप। दरअसल आप सभी संगीत के महान हो, सुरों के ज्ञाता हो, लेकिन जो सजा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसको संगीत से प्यार नहीं। लेकिन आप सभी संगीत को प्यार करते हैं, इसलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आज, जो मुझे बताया है मैं वही बोलूंगा आज, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि इन दीवार में जो दर लगता है वो महल था जो खंडहर लगता है, और सच कहूंगा तो टूट पड़ेगी दुनिया, और झूठ बोलूंगा तो खुदा से डर लगता है। उस खुदा से मैं भी डरता हूं और झूठ नहीं बोलूंगा। और सच की इबारत के बीच में इन छह में से वो तीन नाम ऐसे हैं जो आज की प्रतियोगिता के सरताज हैं। तो सबसे पहली पायदान पर कौन होगा, इंतजार मुझे भी है, आपको भी है, इनको भी है, सबको है। लेकिन सबसे पहले मैं अलाउंस करूंगा जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो तीसरी पायदान पर इन तीन में से कौन है, वो नाम क्या है, वो मैं बोलने जा रहा हूं। बोल दो, पक्का बोल दो, मजो नहीं आया, बोल दो, आज कह दो, टाइम हो रहा है कि लोग वेट कर रही है। आज यान के करो जी, भजन सम्राट, एक से बड़े एक सुरजाता, आने वाला ब्यावर का भविष्य हमारे बीच मौजूद है इन छह में से। बाबा से लगा लो अरदास, क्या पता हो जाए पूरी आज। तो जिसने तीसरा पायदान स्थान, तीसरा स्थान जिसने लिया है, मेरे ख्याल से जिसने आज खोदी है सुरों की खान, मेरे ख्याल से जिसने आज खोदी है सुरों की खान, जिसने प्रतियोगिता की बढ़ाई है आज शान, भजन भी गाया आलीशान, तीसरे नंबर के विजेता है हिमांशु चौहान। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हिमांशु चौहान आपके बीच में। तीसरी पायदान पर आज के विजेता रहे हैं। अब धड़कने बढ़ती हुई दूसरी पायदान पर कौन है, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तुम सब मेरे साथ बोलो, बोलो बम 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 बोले, अरे बम बम बोले। आप बताओ कैसे लगे आपको इन सब की सरगम। अरे तुम तो बोलो बम 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 बम, बताओ आप कैसे लगी इनकी सरगम। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। मेरे को ऐसे लगा मैं तो आज नाच लूं छम छम। जय हो जय हो। आप बताओ किसमें कितना है दम, मेरे ख्याल से कोई किसी से नहीं कम। अच्छा कौन जीतेगा बता दूं लमसम। दूसरे नंबर पे जो जीते हैं उसका नाम है लक्ष्मण। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा आज की प्रतियोगिता के सेकंड रनर अप लक्ष्मण द्वारका, जो कि मेरता सीति से हमारे बीच पहुंचे हैं। अब चार जने ध्यान से देख लो, इनमें से पहले नंबर की बात हो रही है, पहले जो दो जीते हैं, आपको बता दूं कि जो तीसरे नंबर पर हिमांशु जी रहे, राइट, जिन्होंने 124 नंबर प्राप्त किए हैं। एक बार तालियां हो जानी चाहिए तीसरे नंबर के विजेता के लिए, 150 में से 124 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। जो दूसरी पायदान पर हैं लक्ष्मण द्वारका मेड़ता से हमारे बीच में, उन्होंने 133 अंक हासिल किए हैं, 133। और अब पहले नंबर पर
जिनका सुरों ने निभाया साथ, वाह, जिनका सुरों ने निभाया साथ, वाह वाह वाह, बाबा ने भी मानी उनकी अरदास, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। और आज जजेस का भी बन गया वो खास, आज खड़ा हुआ है हमारे पास, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और जो बना है आज के सुरों का सरताज, नाम है राहुल भाट। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा, पहले नंबर पर राहुल भाट, अजमेर की धरा से ब्यावर की धरा पर आज के सुरों का सरताज राहुल भाट। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा तेरी जय हो। मैं निर्णायक गणों से भी गुजारिश करूंगा, अब फैसला तो सभी के बीच आ चुका है, 140 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, 150 में से 140 अंक हासिल कर पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। राहुल भाट अजमेर की धरा से हमारे बीच पधारे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा जो कि 21वां भंडारा है, ब्यावर लोक कला मंडल के तमाम समिति गण, रमेश जांगिड साहब, हमारे फायल म्यूजिकल इवेंट के डायरेक्टर विजय शर्मा की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, निर्णायक गणों की तरफ से, भक्तों की तरफ से, पूरे जिला वासियों की ओर से आपको खम्मा खम्मा घड़ी। मैं निर्णायक गण से भी चाहूंगा आप भी दो दो शब्द हमारे विजेता के लिए कहें। साहब आपसे शुरू करूंगा, पालीवाल साहब, आखिर कैसे चयन किया आपने? हेलो, इस विजेता का चयन क्यों किया गया सबको जानना। देखिए, ये चयन जो सामने बैठे हैं आप सभी, ये आप सभी का चयन है। संगीत में संपूर्ण कभी कोई हुआ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से जो इन्होंने अपने पायदान को प्राप्त किया है, वो सिर्फ वजह एक ही है कि ये हमसे, अब जितने भी यहाँ पर जो निर्णायक गण बैठे हैं या जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर गुणीजन, संगीत इनका हमसे बढ़कर है। अनुभव में हम बड़े हो सकते हैं लेकिन संगीत इनका हमसे बड़ा है, ये बात मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। महेंद्र भाई, आपने राहुल जी को जिताया है, क्यों? मैंने नहीं, सभी ने जिताया है, और मेरे हिसाब से राहुल भाई ने तीनों परफॉर्मेंस राहुल भाई की जबरदस्त गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरे जो भाई खड़े हैं वो भी इसके लिए एग्री, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या राहुल भाई बहुत सुरीले और तीनों परफॉर्मेंस में इन्होंने, वाह क्या बात है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निजाम भाई, भाई मेरे से पूछते हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कह दो। लेखनी लेकर के बैठा बाबा आज दरबार में, क्या बात है, लेखनी लेकर के बैठा बाबा आज दरबार में, गायन इनका लिख चुका है बाबा के दरबार में। जी वाह। ये हमारी कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि हम लोग क्या इनको निर्णय देते, क्या विजेता देते, ये तो बाबा की कृपा है जो ये जाने कैसे हो गया, हमको खुद नहीं पता। और मेरी बहुत बहुत, मैं उनको बधाई दूंगा कि भविष्य में और भी वो अपने उज्जवल यानी चांद की तरह चमकते रहें, जैसे कि हमारा चंद्रयान और 3 जो है ऐसा पहुंचा है ये भारत की तरफ से। मैं ये चाहूँगा कि देखिए, अपन जय घोष तो लगा रहे हैं, खम्मा खम्मा, ये बाबा रामदेव जी की भी जयकार लगा रहे हैं, मगर एक बार अपने हृदय से सभी मिलकर बोल दें, बोलिए भारत माता की जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर। दिनेश जी उपाध्याय साहब जो कि मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा से हमारे बीच में मौजूद हैं, फिलहाल अंबुजा सीमेंट में संगीत व्याख्याता हैं, नवोदय विद्यालय में और जेके संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मुंबई में जो रीता जी शर्मा हैं, वारिजात कुला जी के साथ में, बोमन हनुमान जी के साथ, शत्रुघ्न सिंह जी के साथ में, अनूप जलोटा जी के साथ में भी IPSC में अनेक बार जज भी बन चुके हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
और इनका भी अनुभव हमारे साथ में हम लेना चाहेंगे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। पहले तो मैं आयोजक समिति को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने सोचा है, संगीत को समर्पित किया है, वो भक्ति रस की जो धारा प्रभावित की है, ये जन जन जो कि बाबा के दरबार में जा रहे हैं उन सब की सेवा में जो संगीत के स्वर बरसाकर जो आनंद की वर्षा की है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का हौसला अफजाई करें, सभी को धन्यवाद दें और सभी का आभार माने। और द्वितीय, आज निर्णायक मंडल में जो हमारे बीच में बड़े सुधी और साधक गण जो कि हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने अपना समय दिया है, बहुत ही कठिन ऐसी घड़ियों में हम लोगों को गुजरना पड़ा है कि हम किसको आगे लाएं किसको न लाएं, क्योंकि आप लोग एक से एक बढ़कर हैं। परंतु नो डाउट कि जो प्रथम आए हैं उनको हम सभी ने माना है कि उन्होंने संगीत की साधना, मेरे गुरु ने कहा है कि संगीत अगर एक दिन भी छूट जाए तो 10 दिन पीछे हो जाता है, व्यक्ति 10 दिन पीछे हो जाता है। और कहते हैं कि अगर आप लोगों ने रियाज किया है तो लोग कहेंगे गाना, और अगर रियाज नहीं किया तो लोग कहते गाना यानी मत गाना। तो इसलिए आपने जो रियाज किया है वो रियाज आपका बोलता है, और वो रियाज जो है उसने प्रभाव पैदा किया है, और उस प्रभाव ने एक आनंद पैदा किया है, और इन जजों को सभी को आनंदित करके और पूरे वातावरण को महका दिया है। आप इसी प्रकार से इस हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को अपने संगीत से सरोबार करें। आपको खूब खूब दिल से आशीर्वाद, हमारी यही शुभकामना आपके साथ। और जिनका नंबर नहीं भी आया है तो उनको भी हम लोग कहेंगे कि ठाकुर जी अगले समय में जरूर आपको जो है अच्छा सा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाएंगे। आप किसी प्रकार से हताश निराश उदास ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं रमेश भाई को बुलाना चाहूंगा, हमारे आयोजक समिति, बाबा के भक्त, आप भी 2 शब्द कहें। आप सभी कलाकार माँ शारदा के लाडले सब यहाँ बाबा के भंडारे में पधारे हैं, और हमारा हर साल प्रयास रहेगा आपको सभी को एक मंच पे लाने का, ऐसे हमारे भाव है। आप भगवान से दुआ करो कि ये कार्यक्रम, ये भजन संध्या, ये कंपटीशन हर साल 4 चांद लगती रहे। धन्यवाद। पायल म्यूजिकल इवेंट के डायरेक्टर विजय शर्मा, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, आपको बता दूँ कि दुबई के मस्कट, जो दुबई विदेश है, वहाँ पर भी अपना म्यूजिकल ग्रुप लेकर वहाँ पर भी अपनी प्रस्तुतिकरण देकर आ चुके हैं, और ना जाने देश भर में कितने ही जगहों पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, ब्यावर जिले का नाम रोशन कर चुके हैं, ऐसी शख्सियत विजय शर्मा। जो जीते सभी प्रतियोगियों को बधाई, सभी ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा गाया, सभी ने मेहनत की। मैं चाहूँगा कि अगले साल फिर ये प्रतियोगिता आपके सहयोग से हम रख पाएंगे, आप सभी इसी तरह सहयोग देते रहें। धन्यवाद। ये सहयोग देंगे, फिलहाल तो वो सहयोग राशि का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तमाम लोग आप ऊपर आइए। मैं गुजारिश करूंगा तमाम निर्णायकगण से कि आप प्लीज मंच पर पहुंचे। बहुत सुंदर। प्लीज विजय भैया आप लेकर आइए प्लीज सभी तमाम अतिथियों को, मेरी पूरी GSKI टीम, उनकी तरफ से भी आप सभी का आभार। रॉयल DJ साउंड, राम प्रसाद जी भाई साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, भाई साहब आप भी पधारे प्लीज। लक्ष्मण जी, राजू भाई साहब भी पीछे खड़े, राजू भाई आइए प्लीज। तमाम अतिथिगणों से मैं गुजारिश करता हूं आप प्लीज मंच पर पहुंचे। निबिचंद जी भाई साहब आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा, आप भी मंच पर पधारें। लालचंद जी आप भी पधारें। भागचंद जी भाई साहब आप भी आइए। नहीं आगे उठा दिए तो मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए प्लीज। रामप्रसाद जी भाई साहब आप भी पधारिए, एक साथ ही ये सांत्वना पुरस्कार ऊपर लेकर चले। नहीं विजय भैया इसके बारे में
मैं सबसे पहले आप सभी को पुनः बधाई देते हुए निर्णायक गणों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे जो तृतीय स्थान पर जो विजेता रहे हैं ब्यावर की धरा से हिमांशु चौहान, उसे सम्मान स्वरूप पारितोषिक वितरण कर उन्हें सम्मानित करें।